देखिए, जो डिजिटलाइज फ्रॉड आ रहा है इसमें चूंकि बेसिकली तो एविडेंस होती नहीं है, क्योंकि लोगों के पास या तो वो व्हाट्सएप डाटा होता है या व्हाट्सएप कॉल्स होती हैं, जो दूसरा डाटा है वो तो उनके पास होता नहीं है, चूँकि ज़्यादा जितनी भी लिंक्स होती हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए या जो बाकी ऐप्स है, फेस ऐप है या व्हाट्सएप है या जो भी, तो उसका जो डिजिटलाइज डाटा होता है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जो फ्रॉड होता है वो पर्सन टू पर्सन लिंक करता है। अगर एक बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है तो वो बंदा ही, चूँकि पाकिस्तान का जो कानून है उसमें जो क्रिमिनल लिटिगेशन होती है, क्रिमिनल लिटिगेशन में जो पर्सन होता है, पर्सन का पर्सन से इशू होता है। ये नहीं है कि आप, मैं पर्सन हूँ तो मेरे बिहाफ पे कोई और। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जिस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो थ्रू पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके जो भी उसके पास डाटा है वो थ्रू प्रॉपर चैनल, अपनी जो कार्रवाई है उसके लिए वो प्रॉपर पुलिस स्टेशन या जो भी मुतलका उसका इदारा है उसको जाके वो करे। क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई, मेरे अभी तक जो है वो नज़र से कोई नहीं गुजरा कि जो ऐसा कोई डिजिटल कानून बना हो स्पेशली ऐसे फ्रॉड्स के ऊपर, कि जी जैसे आप अक्सर आजकल आ रहा है कि जी शादी हो रही है, फेसबुक के ऊपर जनाब, फेसबुक के ऊपर उन्होंने कहा है कि जी हम आपको शादी, मैं आपके साथ शादी करती हूँ या कोई भी औसा है, और उसके बदले में उन्होंने पैसे वसूल किए हैं। चूँकि ये सारी जो ट्रांजेक्शन हैं ये हो रही हैं उसके ज़रिए, अब वो चूँकि उसका प्रूफ जो है वो उस बंदे के पास है, वो जब वो मामलात होंगे तो उसके लिए उसको पाकिस्तान आना पड़ेगा। पाकिस्तान आके वो जो चीज़ें हैं वो अपने मुतलका जो फोरम है, कोर्ट ऑफ लॉ है, उसमें जाके या जो थाना है या जो भी FI है उसमें जाके वो एप्लीकेशन देगा, और वो ख़ुद आके पर्सनली उसको जो है वो करेगा उसको। कानून ये तो किसी को फोर्स नहीं कर सकता ना कि आपको वो खातून के साथ ये कहेंगे जी आपके साथ ये शादी करेगी, क्योंकि कानून में पाकिस्तान में रहते हुए भी आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो किसी के साथ शादी करे। तो ये तो वैसे ही मैटर जो है वो बिलोंग्स टू अदर साइड बन रहा है, और ये भी एक मफरूजात की बुनियाद पे है कि जी शायद पता नहीं वो पैसे उसने किस मद में दिए। वो तो जब आएगा वो अपनी एविडेंस देगा, जाके सारी चीज़ें बताएगा, वो जब वो प्रूफ होंगे कि वाकई ही ये पैसे इस मद में आए और ये जो चीज़ें ये मैंने वहाँ पर जाके बताई और वो उस मद में ही उसने पैसे लिए, तो वो पैसों की हद तक तो शायद उसकी कोई जो है वो दादरसी हो जाए। अदरवाइज़ जो है उस हद तक के जी ये शादी के लिए फोर्स किया जा सके, वो उसके हद तक कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि किसी को आप फोर्स करें कि जी आप आके पाकिस्तान में या किसी भी जगह पे उसको आप कहें जी कि इसको फोर्सेबली है वो मैरिज शादी करें। ऑनलाइन निकाह जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। ऑनलाइन निकाह में ये होता है कि जो जब ऑनलाइन निकाह किया जाता है तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल के ज़रिए उसको वो किया जाता है, और वो बाकायदा रजिस्टर्ड होता है। ये नहीं है कि आप अनरजिस्टर्ड होता है, वो आप जाते हैं जो वकील होता है वो बाकायदा इंगेज करके आप उसको थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए उसकी कॉल रिकॉर्डेड होती है, और उसका बाकायदा रिकॉर्ड होकर वो इंदराज होता है और वो यूनियन काउंसिल में इंदराज होता है। ये जो मामलात हैं ये डिफरेंट इश्यूज़ हैं, ये हैं जो है वो इसको मैं कहता हूँ डिजिटल फ्रॉड्स। वो जो मामला है ना कि जी निकाह, वो पॉसिबल है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में हो रहा है जी कोर्ट मैरिजेस, जिस तरह कोर्ट मैरिज होती है वली के बगैर किसी औरत का कोर्ट मैरिज हो जाती है, इसी तरीके से कोर्ट जो है वो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए किसी का भी आप निकाह जो है वो ऑनलाइन करवा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं।